नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के स्टूडियो में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम CMA कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा, अगर हमें CMA कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है, और साथ ही में हमने देखा कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी है, उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन लिया। मुझे लगता है आपको वो वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं CMA कोर्स फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और कौन सी वो इम्पोर्टेंट डेट्स है जो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें याद रखना है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMA कोर्स की फ़ी और रजिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आपका मैं और एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है एकेडमिक इनसाइट, वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार के नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी रजिस्ट्रेशन के बारे में और फीस के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जो भी सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो दौरान मिलने वाला है, ताकि आपको इसको वीडियो को अंत तक देखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत, और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे हम देखेंगे अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या है फीस स्ट्रक्चर और क्या है आखिरी डेट्स। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं और देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है अगर CMA कोर्स के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे कि हमें पता है CMA कोर्स में तीन अलग स्टेजेस हैं, तो फीस जो है वो तीन अलग स्टेजेस के हिसाब से यहाँ पर दी हुई है। तो पहले देखते हैं हम क्या है फीस स्ट्रक्चर। लेवल के हिसाब से यहाँ पे फीस चार्ज की जाती है, जैसे कि यहाँ पे तीन लेवल्स हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो फाउंडेशन स्टेज के लिए जो फीस है वो 6,000 रुपीज़ है पूरे फाउंडेशन स्टेज के लिए, आपको वन टाइम 6,000 भरना है, और वो होगा पूरे फाउंडेशन कोर्स के लिए। उसके बाद इंटरमीडिएट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो इंटरमीडिएट के लिए फ़ी है 22,000 जो हमें भरना है। इसमें कुछ बदलाव भी आए होंगे, अगर आपको बदलाव देखना है तो वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। और फाइनल पे फीस है 25,000 पूरे फाइनल कोर्स का। तो ये है फीस स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे देखा है, फाउंडेशन के लिए 6,000, इंटरमीडिएट के लिए 22,000 और फाइनल के लिए 25,000। इसके हिसाब से हर एक स्टेज के लिए अलग फी यहाँ पे चार्ज की जाती है, जो हमें याद रखना है। तो ये था फीस स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर CMA रजिस्ट्रेशन हमें करना है तो कौन सी डेट्स हमें याद रखना है, किस डेट पे हमें रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, ताकि हमारा एग्ज़ाम मिस ना हो पाए, हम एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाए। तो डेट्स हमें याद रखना है अगर हमें CMA रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या होंगी डेट्स। तो पहले देखते हैं एडमिशन ऑफ द फाउंडेशन कोर्स फॉर द ICAI, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कोर्स इज ओपन थ्रू आउट द ईयर। अगर हमें फाउंडेशन के लिए एडमिशन लेना है तो पूरे साल में ये फाउंडेशन कोर्स के लिए एडमिशन जारी रहता है, उसके लिए कोई खास ऐसी डेट है ही नहीं। अगर हमें फाउंडेशन, कभी भी हम फाउंडेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं, देर इज़ नो स्पेसिफिक डेट एज सच, वहाँ पर कोई ऐसी खास डेट है ही नहीं, जो इसके पहले इसके बाद ऐसा है नहीं, पूरे साल में हम CMA फाउंडेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। हाउएवर, स्टूडेंट्स डिज़ायरस टू अपीयर फॉर जून टर्म एग्जामिनेशन शुड अप्लाई बिफोर 31 जनवरी। जो लोग जून का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको 31 जनवरी से पहले एडमिशन लेना ज़रूरी होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बोलूँगा, और of that end that year and for the December term examination should apply before 31st July of that year. तो ये है डेट्स जो आपको याद रखना है अगर हम जून का अटेम्प्ट देना चाहते हैं। सपोज वेयर इन 2021 ना, 2021 में है, अगर मुझे जून का अटेम्प्ट देना है तो मुझे 31 जनवरी 2021 से पहले एडमिशन लेना है।
और एप्लीकेशन देना है। अगर मुझे दिसंबर का एग्ज़ाम देना है 2021 का, तो मुझे 31 जुलाई 2021 से पहले एडमिशन कंप्लीट करना है। तो ये है इंफॉर्मेशन डेट्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। तो अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, अगर मुझे जून का अटेम्प्ट देना है, तो मुझे 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर मुझे दिसंबर का अटेम्प्ट देना है, तो मुझे 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये है इम्पॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन जो हमें याद रखना है। तो हमें याद कैसे रखना है, जहाँ जब भी हम एडमिशन सॉरी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, तो उसके पहले हमें सोचना है रजिस्ट्रेशन के बारे में। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरा ये वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो यहाँ पे शेयर बटन दिख रहा है, उसको भी शेयर करना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को आप भेज सके। साथ ही में यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ को हम और भी बेहतरीन बना सके। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कुछ नई बात। तब तक के लिए धन्यवाद।